पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है संध्या राणा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे मुल्क मेरे पहाड़ पे। तो कैसे आप लोग, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। और मैं भी सही से हूँ। तो फिर से नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और नए दिन के साथ साथ नया ब्लॉग शुरू हो रहा है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करें मैं अपने प्यारे से घर से और अपने खूबसूरत गाँव जोगोर से। और अभी सुबह की 9 बज चुकी है और वो पाथ को इतनी तेज धूप है ना, 2-3 दिन से तो गर्मी शुरू होने लग गई है। और मैंने घर का निपटा लिया है सारा काम। अब मेरे हो गए हैं गौशाला जाने की तैयारी गाय को बांधने के लिए। तो आज मैं कहीं नहीं गई क्योंकि घर में इतना सारा काम पड़ा था तो घर का ही काम निपटाया। तो अब मैं जा रही हूँ गौशाला की ओर। तो अभी शाम के टाइम ना मुझे जाना है खेतों में कुटाई करने के लिए। और मेरे कंडे हो गए हैं तैयार और मौसम देख सकते हैं आसमान पे बादल लगे हुए हैं, पता चल रहा है खेत में चले गए और बारिश शुरू हो गई है। और सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बता दूं कि मेरी छोटी बहन आ रखी है हमारे घर, ये देखिए हाय। और हमारी छोटी गुड़िया भी आ रखी है। तो हम जा रहे हैं अभी कुटाई करने। तो ये देखे सीमा का डॉग, सीमा को कैसे मिल रहा है, एक ही बाजार से जी। ये सीमा आएगी दीर प्रणाम प्रणाम। मैं बोली प्रणाम तू निकल, मैं कर दे बोली प्रणाम। इधर इधर आज हमारी दीदी भी आ गए हैं बे सट्टे गोडने घर। बड़े दिनों के बाद हमारी दीदी जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रणाम खूब शरीर रख दो मीन मीन आदि घर होना, पता नहीं के सालों में होना वाला। दो चार छुट्टी काट लेंगे घर पे, दो चार छुट्टी काट लेंगे घर पे। शिवांश को शिवांश घर पहुंच गई, हम भी चलते हैं आराम से। प्रणाम क्या हो रहा है? तुम्हारे यार पापा दौड़ दे रहे। तो आजकल ना सब लोग काम धाम पे व्यस्त हैं, कोई गुडाई पे, कोई निराई पे, कोई रोपाई पे। तो इधर इधर हमारे सासू जी आज तिरसू लेके जा रहे हैं। ले लो ये सासू जी से वाला वीडियो वाला। कुछ लोड़ी मैं बोली हाँ आज तुम ये तिरसूल को लेना। ये तिरसूल एक दैत थमल ले एक जगठ बागा। तो माथा मारी एक हाथ में डंडा, ये मेरी बारी पीठ पर कंडा। गोटी सके कमाल है बनाया है। ये हमारे सासु है। प्रणाम ठीक ठाक कब आ रही हो आज? अच्छा, मेरी बहन। अच्छा बोली तू माथे जाए माथे से जाए से चलो चलो यार अग्नि हम तुम्हारे वीडियो बनाते हैं। ओके कम जा तुम भी कप हो क्या तो हम भी देख लग गया बेटा। तो देखिए अभी प्यारी सी धूप खिली है और जो हमारे सीढ़ी नुमादार खेत है ना कितने प्यारे लग रहे हैं। और देख सकते हैं सारे लोग खेतों में आ गए हैं। Thank you.
अभी कुछ दिन पहले जो हमने रोपाई की थी तो ये वाले खेतों में हमने रोपाई की थी, और ये देखे पूरे जो हमारे सिमार वाले खेत है ना, रोपाई हो रखे है। नहीं तो मेरे वहाँ पुंगड़ गए पानी जेक बोल जाए मैं जो यू मेरा के पैर भीग गए हैं कीचड़ में। छी 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 खगल बल्ली मन खींची था अभी गंदी लोड़ी नानी खूब भाग रहे है वे। इधर इधर देखे खोड़ कितना ज्यादा हो गया है दुनकोट के लिए। ये जो खोड़ इतना ज्यादा कैसे हो गया है दुनकोट के लिए? वही तो बोल रहे हैं भी। क्या बोल रहे हैं? अच्छे से गुड़ाई कर दी फिर भी खोड़ आ गया है? इसको गोड़ते गोड़ते आदमी को भी खोड़ आ गया हमको तो और भी ज्यादा खोड़ आएगा काम जी बरीक बरीक भी मोटो भी सब दाना रोड को आगे हैं हम खेत में और गुड़ाई करने के लिए, और फिर भी देखे इतना ज्यादा खड़ हमने निकाला था और इतना ज्यादा फिर से आ गया है। लेकिन यहाँ देखे कितने प्यारे सब्जी हो रखी है हमारे खेतों में, इसको बोलते हैं सवती की सब्जी। तो कल हम ना भात बनाने के लिए ले जाएंगे इसको। चल तो ये है हमारा खेत, इसमें गुड़ाई करेंगे। तो हमने लार कहते हैं कुदाल, एक मेरे लिए, एक विनीता के लिए, एक मीरा के लिए। ये मीरा की है, और इसको ना हमने एप्पल में ला रखा है, और ये पानी की बोतल भी हम साथ में लेके आ रखे हैं। और यार आज ना दूसरे में मेरे साले का डब्बा भी यही आ गया, क्या करें यार, ऐसे हुरसा फुरसे आ रखे मेरे पे, ऐसे ही क्लास आ रखे है, क्या करो। तो चलो पहले मैं घास की कंडी निकाल देती हूँ, क्योंकि गाय के लिए ना घास भी काफी जरूरी है। Thank you.
हमने कर लिया है खेत गुड़ाई, देख सकते हैं सामने से लेकर और यहाँ तक इतना ज़्यादा खड़ वो रखा है ना यहाँ, और अभी पूरा खेत और है और मेरी बहन लगी हुई है अभी और मिली देखे पेड़ पे जा रखी है। तो धूप तो छिप गई और हम चले जाते हैं घर, क्योंकि हमने जाना है गौशाला सीधे ऊपर, तो लेट हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, गाँव से काफ़ी दूर हम आ रखे हैं। तो अभी गौशाला मुझे जाना है और मेरी बहन जाएगी घर, तो चलो यार हम चलते हैं गौशाला और मिलते हैं आपको गौशाला में जाने के बाद। तो पहुंच गए हैं हम खेतों से घर और देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया है और सारे लोग चले गए हैं घर और सबने ना है तो सबने क्या कर दिया है, गाय बांध दी है अंदर और अब हम भी गाय बांध लेते हैं, दूध निकाल देते हैं पहले। तो दूध निकाल देते हैं और काफी अंधेरा हो गया है तो मैंने दूसरे फोन से ना लाइट ऑन कर रखी है। तो मैंने दूध निकाल दिया है और अब जाती हूँ घर और गांव की ओर, देख सकते हैं अंधेरा हो गया है और इधर तो अभी थोड़ा सा ऐसे ना हल्की हल्का उजाला है तो बाघ का डर भी है तो जल्दी घर चले जाते हैं। तो आज के ब्लॉग को ज़्यादा लंबा न करते हुए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि ज़रूर आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग भी पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपको अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।